तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तिरू मिकामी का बचपन दिखाया जाता है। मिकामी बचपन से ही जस्टिस के लिए खड़ा होना सीख जाता है। मिकामी की मॉम बचपन में ही मर जाती है और वो धीरे धीरे ये नोटिस करता है कि बुरे लोगों को सजा मिलती ही मिलती है। कुछ साल पहले मिकामी ये नोटिस करता है कि क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरना शुरू हो जाते हैं और फाइनली वो लाइट की नजर में आ जाता है। मात्सुदा सबको बताता है कि क्योमी कीरा की नई स्पोक्स पर्सन है। लाइट सबको बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लाइट क्योमी के साथ मीटिंग रखता है और टास्क फोर्स को बिना पता लगाए क्योमी को यह बता देता है कि वो कीरा है, और साथ ही साथ वो मिकामी से भी बात कर लेता है। मीटिंग के बाद लाइट टास्क फोर्स को बताता है कि आज से वो क्योमी का बॉयफ्रेंड बनकर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। एपिसोड के एंड में मिकामी को दिखाया जाता है जो क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा होता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में नियर को दिखाया जाता है। नियर कीरा केस को सॉल्व करने के बारे में सोच रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है कि वो जापान जाए। नियर कमांडर रेस्टर को कॉल करता है और उन्हें न्यूयॉर्क वापस आने को बोलता है। नियर कमांडर को बताता है कि वो खुद जापान जाने का सोच रहा है। फाइनली नियर जापान आ जाता है। अब दूसरी तरफ मात्सुदा बताता है कि योशिदा प्रोडक्शंस और एनएचएन मीसा को साइन करना चाहते हैं। मोगी बोलता है कि एनएचएन के ऑफिस में जाने की एंट्री किसी को नहीं है, लेकिन जो कि अब वो मीसा को साइन कर रहे हैं, अब उनके पास वहां जाने का अच्छा मौका है। लाइट बोलता है कि मोगी वहां मीसा का मैनेजर बनकर जाएगा, क्योंकि एक पर्सन ऐसा होना ही चाहिए जो एनएचएन के हेडक्वार्टर्स में जब मर्जी आ जा सके, और तब तक वो क्योमी को इन्वेस्टिगेट करेगा। This is Nier. I want to speak to L. This is L. What is it you want from us? नियर का फोन आता है और वो बोलता है कि वो एल से बात करना चाहता है। नियर लाइट को बताता है कि फाइनली वो कीरा को पकड़ने के लिए जापान में आ गया है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि एन उसे ये सब क्यों बता रहा है, जरूर उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा। नियर लाइट को बोलता है कि वो इस बात पर श्योर है कि उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए क्योमी को कॉन्टेक्ट तो कर ही लिया होगा, और ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और लाइट नियर की बात को एडमिट करता है। लाइट नियर को बोलता है कि वो खुद इस टाइम क्योमी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। नियर लाइट को बोलता है कि ये बात तो ऑब्वियस है कि अगर हमें कीरा को पकड़ना है तो क्योमी पर नजर तो रखनी ही होगी, और साथ ही साथ एनएचएन पर भी। नियर लाइट को बोलता है कि वो चाहता है कि वो इसका एक मैसेज क्योमी को पास करे। नियर क्योमी को ये बताने को कहता है कि एसपीके के कुछ मेंबर्स कीरा को पकड़ने के लिए जापान में आ गए हैं। लाइट थोड़ा हैरान होता है और नियर से इसका रीजन पूछता है। नियर बोलता है कि इससे शायद कीरा खुद बाहर निकलकर आ जाएगा। नियर बोलता है कि वो क्योमी को ये भी बताए कि उसे मिलाकर एसपीके के टोटल 4 मेंबर्स हैं। नियर बताता है कि कीरा ये सुनकर भागेगा नहीं, बल्कि उसे मारने की कोशिश करेगा, और इस पॉइंट पर वो खुद कीरा को उसी की गेम में हरा देगा। लाइट मन में सोच रहा होता है कि वो नियर का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। नियर लाइट को रिमाइंड कराता है कि वो इस टाइम जापान में है। लाइट भी नियर को बताता है कि वो भी इस टाइम जापान में ही है। नियर बोलता है कि फिर तो हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस मिल जाएं। लाइट बोलता है कि वो भी यही चाहता है। नियर बोलता है कि जब वो टाइम आएगा तो वो कीरा केस को एक ही बारी में खत्म कर देगा, और ये बोलकर नियर फोन काट देता है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि उसकी स्टार्टिंग से ही लड़ाई एल के साथ थी, और जबकि अब वो मर चुका है, ये बैटल खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसके सक्सेसर्स के पास शिफ्ट हो गई है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि नियर खुद बाहर निकलकर आ रहा है, और वो भी पीछे नहीं हटेगा, और जब वो दोनों मिलेंगे तो देखा जाएगा कि जीतने के लिए कौन ज्यादा प्रिपेयर्ड है, और फाइनली ये बैटल खत्म हो जाएगा और वो इस दुनिया का नया गॉड होगा। From the very beginning and even now, it's been a one-on-one fight against L. And even though he's dead, the battle's just shifted to his heirs. When that happens, this long battle will end, and I can finally begin my reign at the top. नियर बाकी एसपीके के मेंबर्स के साथ बैठकर कीरा केस को फिर से स्टडी कर रहा होता है।
वो बोलता है करंट एल लाइडियागेमी है और वो ही कीरा है और वो उसे एल कीरा के नाम से एड्रेस करेंगे। उसके बाद नियर बताता है कि एक और पर्सन है जिसके पास नोटबुक है और वो उसे यूज करता है और वो लोग उसे एक्स कीरा बोलेंगे। नियर रिवील करता है कि एक्स कीरा की किलिंग्स देखकर ये साफ पता लगता है कि उसने शिनिगामी आइडियल कर रखी है। नियर आगे बताता है कि एल कीरा और एक्स कीरा एक दूसरे को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों क्योमी का यूज कर रहे हैं। नियर बोलता है इस टाइम कीरा से जीतने के सिर्फ दो तरीके हैं। नियर अपनी टॉय गन निकालता है और लाइट और मिकामी के टॉय को गोली से उड़ा देता है और बोलता है कि पहला तरीका तो ये है कि वो उन दोनों को मारकर उनसे नोटबुक ले ले, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगा। कमांडर इसका रीजन पूछता है जिसके जवाब में नियर बताता है कि ये उन लोगों के काम करने का तरीका नहीं है। नियर बोलता है कि वो और एल कभी भी ऐसा नहीं करते क्योंकि ये उनके लिए एक इंसल्ट है। अब दूसरी तरफ लाइट क्योमी के साथ डेट पर जाता है। लाइट क्योमी को बोलता है कि उसने सुना है कि उसे बहुत सारे फैंस से लेटर्स आ रहे हैं। क्योमी बोलती है कि उसे कम से कम दिन के 200 लेटर्स आते हैं। मात्सुदा और बाकी टास्क फोर्स के मेंबर्स ये कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। लाइट एक कागज पर क्योमी को लिखकर इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो इस लेटर को पढ़ते हुए बिल्कुल काम रहे ताकि दूसरे लोग उसका रिएक्शन ना सुन पाए। लाइट क्योमी को बोलता है कि एसपीके ने कीरा केस में छानबीन शुरू कर दी है और उसे सेफ्टी से काम लेना चाहिए। लाइट क्योमी को बोलता है कि उसे भी कीरा को कॉन्टेक्ट करना चाहिए और अपनी कुछ डिमांड्स उसके सामने रखनी चाहिए। इतने में लाइट दूसरा लेटर तैयार कर देता है। उस लेटर में लाइट क्योमी को लिखता है कि उसके पास उसके लिए एक अलग जॉब है। लाइट बोलता है कि इस दुनिया को परफेक्ट बनाने के लिए उसे लोगों को जज करना और पनिश करना चाहिए और कीरा बनना चाहिए। ये सुनकर क्योमी अपनी चेयर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लाइट उसे पकड़ लेता है। लाइट क्योमी को बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो इसका मतलब वो कीरा को इन्फॉर्मेशन भेजेगी जो वो नहीं चाहती कि एसपीके को पता चले। क्योमी कीरा बनने के लिए तैयार हो जाती है जबकि टास्क फोर्स को लग रहा होता है कि क्योमी कीरा को कॉन्टेक्ट करने के लिए मान गई है। In order to create the perfect world that Kira has envisioned, I want you to begin judging and punishing people as Kira. अब दूसरी तरफ मिकामी क्रिमिनल्स का नाम डेथ नोट में लिख रहा होता है और तभी उसे क्योमी का कॉल आता है। क्योमी मिकामी को बोलती है कि उसे फैन लेटर भेजे जो वो आराम से पहचान जाए कि उसका है और साथ ही साथ डेथ नोट के 5 ब्लैंक पेजेस भी लेटर के साथ भेजे। क्योमी आगे बोलती है कि जब तक उसे लेटर नहीं मिलता तब तक वो अपनी किलिंग्स को कंटिन्यू रखे। मिकामी पूछता है कि वो लेटर उसे मिल जाएगा तब वो क्या करे। क्योमी बोलती है कि तब उसे रियल नोटबुक में नाम लिखना बंद करना होगा और फेक नोटबुक में नाम लिखना शुरू करना होगा। मिकामी पूछता है कि फेक नोटबुक से उसका क्या मतलब है। क्योमी बताती है कि उसे एक नोटबुक बनानी होगी जो कि बिल्कुल रियल डेथ नोट की तरह दिखती हो और उसे उसमें नाम लिखने होंगे और मिकामी इसके लिए मान जाता है। मिकामी मन में सोच रहा होता है कि आखिर गॉड क्या करना चाहते हैं। फिर मिकामी मन में सोचता है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए और जो गॉड कहते हैं उसे बस वही करना चाहिए। My job is to do what God wishes. अब टेलीविजन पर टुडेज मिस तकाडा के नाम से एक नया शो आता है। मात्सुदा बताता है कि ये शो कीरा किंगडम का रिप्लेसमेंट है। शो में तकाडा के 4 नए बॉडीगार्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें से एक लिंडर होती है। लाइट समझ जाता है कि अगर इनमें से कोई एसपीके का मेंबर है तो वो पक्का लिंडर ही होगी। लाइट भी ये समझ जाता है कि नियर तकाडा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। अब दूसरी तरफ नियर भी इन्वेस्टिगेशन में बिजी होता है। नियर मन में सोच रहा होता है कि आखिर एक्स कीरा कौन हो सकता है। तकाडा अपने शो पर बोल रही होती है कि लोगों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कीरा एक अच्छा पर्सन है। नियर मन में सोच रहा होता है कि तकाडा को कीरा ने इसलिए चूज किया क्योंकि वो कीरा की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और इसका मतलब एक्स कीरा कोई ऐसा पर्सन है जिसे ये पता है कि तकाडा कीरा को सपोर्ट करती है। क्योमी बोल रही होती है कि कीरा किसी के भी क्राइम्स को माफ नहीं करेगा चाहे वो कितने भी छोटे हों। नियर फाइनली मिकामी के क्योमी के साथ हुए इंटरव्यू को देख रहा होता है और ये कंक्लूड करता है कि मिकामी ही एक्स कीरा होना चाहिए।
L Kira is Light Yagami. Could X Kira be Terra Mikami? Everything seems to fit into place. अब दूसरी तरफ मोगी मीसा को टीवी चैनल के पास लेकर जाता है और मीसा बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल का हेड नहीं बनाया जाता। मीसा क्योमी को देखकर और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्योमी को ये भी नहीं पता चल रहा कि लाइट उसे यूज कर रहा है। मोगी मीसा को ऐसा बोलने से मना कर देता है। क्योमी मीसा को साफ इग्नोर कर देती है जिसकी वजह से मीसा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो क्योमी के पास जाने लगती है, लेकिन क्योमी तक पहुंचने से पहले लिंडर मीसा को पकड़ लेती है। क्योमी मीसा को देखकर स्माइल करती है और लिंडर को से छोड़ने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। नियर लाइट को फोन करता है और बोलता है कि वो अजावा से कुछ बात करना चाहता है। अजावा भागकर नियर से बात करने के लिए आ जाता है। नियर अजावा को बताता है कि उसे एल और क्योमी के बीच हुई मीटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। नियर पूछता है कि क्या उन्होंने मीटिंग की ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड की थी। अजावा बताता है कि नहीं, वो लोग सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये पूछकर नियर फोन काट देता है। कमांडर रेस्टर बोलते हैं कि अगर वो लोग सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कि एल किरा और एक्स किरा ने क्योमी का यूज करके एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया हो, और अगर ऐसा है तो लिंडर के ऊपर भी काफी खतरा है। नियर बोलता है कि वो चाहता है कि एल अपना सारा ध्यान लिंडर और क्योमी पर ही दे और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम लोग मिकामी को इन्वेस्टिगेट कर पाए। कमांडर गेवानी को फोन करता है और पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। गेवानी बताता है कि मिकामी को फॉलो करना बहुत ही आसान है क्योंकि मिकामी ना तो भागने और छुपने की कोशिश कर रहा है और पिछले 4 साल से वो एक ही घर में रह रहा है। गेवानी आगे बताता है कि मिकामी के बारे में कुछ भी सस्पेक्ट करने लायक नहीं है और वो अपनी जॉब को लेकर काफी डेडिकेटेड है और उसे नहीं लगता कि वो एक्स कीरा है। नियर बोलता है कि मिकामी के एक्स कीरा होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और वो उस पर अच्छे से नजर रखे। नियर ऑर्डर देता है कि वो अभी उसके रूम में एंटर ना करे और बस उस पर नजर रखे। अब दूसरी तरफ मीसा एनएचएन के साथ मीटिंग करके बहुत बोर हो गई होती है। मोगी फोन पर बात कर रहा होता है और वो मीसा को बताता है कि क्योमी आज उसके साथ डिनर करना चाहती है और मीसा इसके लिए मान जाती है। लिंडर क्योमी को बताती है कि मीसा डिनर के लिए मान गई है। क्योमी लिंडर को अच्छा सा रूम बुक करने के लिए बोलती है और लिंडर को कहती है कि वो चाहती है कि वो भी उन दोनों के साथ डिनर पर उन्हें ज्वाइन करे। अब रात हो जाती है और मीसा और क्योमी डिनर की जगह पहुंच जाते हैं। क्योमी मीसा से पूछती है कि लाइट तो काफी ज्यादा बिजी रहता होगा तो वो दोनों कैसे मैनेज कर पाते हैं। मीसा मन में सोच रही होती है कि क्योमी उससे ये सब इसलिए पूछ रही है क्योंकि मैं आजकल लाइट के साथ नहीं रह रही हूँ, और जबकि क्योमी काफी टाइम लाइट के साथ ही रहती है। लेकिन मीसा बोलती है कि उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है। मीसा क्योमी को बोलती है कि आने वाले पॉप फेस्टिवल में वो लाइट की और उसकी एंगेजमेंट के बारे में अनाउंसमेंट करने वाली है। क्योमी पूछती है कि क्या लाइट को इस बारे में पता है। मीसा बोलती है कि हाँ, लाइट को इस बारे में पता है। मीसा बोलती है कि 1 मंथ पहले ही लाइट ने उसे प्रपोज किया था और अब वो ये न्यूज पॉप फेस्टिवल में अनाउंस करेगी। क्योमी बोलती है कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो उसे जरूर करना चाहिए। मीसा सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे ऐसा करने से क्या वो रोक सकती है या फिर वो उसे कीरा से कहकर मरवा देगी। क्योमी बोलती है कि ये तो सिर्फ कीरा को पता है कि उसे किसे मारना है। क्योमी मीसा को बोलती है कि वो उसे अपना अच्छा दोस्त समझती है और उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती भले ही दूसरा पर्सन जितना मर्जी बुरा हो। मीसा बोलती है कि वो भी कीरा को काफी पसंद करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम में लाइट उसे पकड़ लेगा। मीसा क्योमी को डराने के लिए बोलती है कि एक बार कीरा पकड़ा गया तो उसे भी एग्जीक्यूट कर देंगे। Once he gets caught, it'll be nothing but bad news for him. And as for you, you'll probably be executed. क्योमी नीचे मुंह करके मीसा की बातों पर हंस रही होती है और लाइट के वर्ड्स को याद कर रही होती है जब वो बोलता है कि अगर उसे वो ज्वाइन कर लेगी तो इस वर्ल्ड की नई गॉडेस बन जाएगी। क्योमी उठती है और मीसा को बोलती है कि उसे उसके साथ मजा नहीं आ रहा है। क्योमी आगे बोलती है कि वो बहुत इमैच्योर है और उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मीसा भी आगे से क्योमी को जवाब दे रही होती है और क्योमी वहां से चली जाती है। मीटिंग के बाद लिंडर एसपीके को मीटिंग की सारी रिपोर्ट देती है और बताती है कि मीटिंग में क्योमी और मीसा बस लाइट के बारे में बात कर रहे थे और लड़ रहे थे कि
कि लाइट की असली गर्लफ्रेंड आखिर कौन है। नियर बोलता है कि सबके बाद वो बस इतना कह सकता है कि लाइट लेडीज में बहुत पॉपुलर है। नियर आगे बोलता है कि हम लोगों को ये भी पता है कि मीसा और क्योमी दोनों उसे बहुत प्यार करती हैं। कमांडर नियर की बात सुनकर बोलता है कि वो प्लीज इस मैटर को थोड़ा सीरियसली ले। नियर बोलता है कि वो बिल्कुल सीरियस है और ये प्रॉब्लम की बात है। नियर बोलता है कि अगर वो उससे प्यार करती हैं तो वो उसे कभी धोखा नहीं देंगी और वो सब करने के लिए तैयार हो जाएंगी जो लाइट चाहता है। Nier, please be serious about this. It is serious if they're both truly in love with him. They will not easily betray him. In fact, they'll likely do whatever he asks. मिकामी रात को ट्रेन से जा रहा होता है और वो देखता है कि एक पर्सन एक लड़की को छेड़ रहा है। मिकामी चुपचाप अपना फोन निकालता है और अपने सेलफोन में उसकी फोटो खींच लेता है। गिवानी जो कि पास में ही बैठा होता है कैमरा की आवाज सुन लेता है। गिवानी नियर को बताता है कि मिकामी ने अभी अभी एक नोटबुक अपने बैग से निकाली और उस पर कुछ लिख रहा है और उसके बाद डिलीट। He's getting off the train.